ओडिशा के बालासोर में हुए बड़े ट्रेन हादसे ने अब तक कई लोगों की जानें ले ली हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद हर कोई स्तब्ध है कि आखिर एक ही जगह पर तीन ट्रेनें कैसे हादसे का शिकार हो गई। हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है और मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो आज हम ऐसे ही 10 बड़े ट्रेन हादसे के बारे में बात करेंगे। इन सब के बीच पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा हादसा ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के कम से कम 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल में पटरी पर से उतर गए थे कि जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 36 अन्य घायल हुए थे। वहीं साल 2018 में अक्टूबर के महीने में रावण दहन के मौके पर पंजाब के अमृतसर में एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कि जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरे हादसे की बात करें तो 23 अगस्त 2017 को दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के 9 कोच उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए कि जिसमें कम से कम 70 लोग घायल हुए थे। तीसरे हादसे की बात करें तो 19 अगस्त 2017 को हरिद्वार और पुरी के बीच चलने वाली क्लीन उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के खतौली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए कि जिसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 97 लोग घायल हुए। चौथे हादसे की बात करें तो साल 2017 में इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के उखराया के पास पटरी से उतर गई कि जिसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई। पांचवे हादसे की बात करें तो 20 मार्च 2015 को देहरादून के वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा हो गया था। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बछारवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन और उसके साथ लगी दो बोगियां पटरी से उतरने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 लोग घायल हो गए। छठे हादसे की बात करें तो 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इलाके में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से टकरा गई के जिससे 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। सातवें हादसे की बात करें तो 30 जुलाई 2012 को दिल्ली चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक डिब्बे में नेलोर के पास आग लग गई थी कि जिसमें 30 से ज्यादा लोग मरे। वहीं आठवें हादसे की बात करें तो उससे पहले 22 मई 2012 को हुमली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के पास एक मालगाड़ी से टकराई कि जिसमें 25 यात्रियों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हुए। नौवे हादसे की बात करें तो साल 2012 को भारतीय रेलवे के इतिहास में रेल दुर्घटनाओं के मामले में सबसे खराब में से एक माना गया है। इस साल लगभग 14 दुर्घटनाएं दर्ज की गई कि जिसमें ट्रेन के पटरी से उतरने से लेकर आमने सामने की टक्कर दोनों शामिल हैं। दसवीं घटना की बात करें तो 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में एटा जिला के पास छपरा मथुरा एक्सप्रेस एक बस से टकरा गई थी। इस घटना में 69 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग तो गंभीर रूप से घायल भी हुए। हादसा मानव रहित क्रॉसिंग पर देर रात को हुआ था। तो ट्रेन तेज गति से चल रही थी और बस करीब आधा किलोमीटर तक घसीटी गई थी।